अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टेनिस बॉल को इन स्विंग और आउट स्विंग करवाने का तरीका बताऊंगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट आउट स्विंगर और इन स्विंगर बन जाएंगे। ये जो टिप्स है ये काफ़ी बेहतरीन है, और इस पर अगर आप एक वीक मुसलसल ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया मदद मिलेगी इस टिप से। और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहता है, जब अगर आप टेनिस बॉल पर अगर आप टेप डालकर बॉल को स्विंग कराने का तरीका जाने, या फिर ऐसे टेप के बगैर भी आप सेम ही तरीके से इसको स्विंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आउट स्विंग करवाने का तरीका बताऊंगा कि आप इस बॉल के साथ कैसे आउट स्विंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो उंगली मैं दिखा रहा हूँ आउट स्विंग करवाने के लिए, ये उंगली आपको निकाल देनी है जब आप आउट स्विंग करवाने के लिए जाते हैं। तो जब आप बॉल को फेंकते हैं वहीं पर रिलीज़ करने के टाइम पर आपको ये उंगली अपनी हटा देनी है, और अगर आपको इन स्विंग करवाना है तो आपको ये अंदर की जो उंगली है इसको हटा देना है, और बॉल को ऐसे स्ट्रेट नहीं फेंकना है बल्कि थोड़ा सा ऐसे घुमा कर फेंकना है, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया इन स्विंग भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस बॉल के साथ आप दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए, और इसमें काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए। और इन स्विंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उंगली आपको जो है निकाल देनी है, फिर आपका बॉल काफ़ी अच्छे तरीके से इन स्विंग होएगा, और अगर आपको आउट स्विंग चाहिए तो आपको ये वाली उंगली जो है निकाल देनी है। दोस्तों, इस पर आप अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस पर अमल करने के बाद हमारे चैनल पर आकर कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा।